हालेलुया, प्रेज गॉड जी। तो आज जो है बात होगी जसवंत सिंह साहब के हवाले से। ये ज्ञानी साहब हैं, ज्ञानी जसवंत सिंह साहब पड़ोसी मुल्क से हैं, और इनकी एक वीडियो जो है वो मेरी इंफॉर्मेशन में अभी चंद दिन पहले आई, और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी हैं। आज हम इस वीडियो में उनके जो बातें हैं उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि उन्होंने कहा क्या है, और साथ साथ ज्ञानी साहब को थोड़ा सा ज्ञान भी देंगे ताकि वो हकीकी ज्ञानी बन जाएं। डिबेट के हवाले से उन्होंने अपनी वीडियो में बात की है कि वो डिबेट करना चाहते हैं। ते मैं तो रात भी चैलेंज किया भी कि चार बंदे इकट्ठे करके स्टेज ते उन ते सी दस्त पंजाब लईए, पता चले भी केड़ा सच्चा ते केड़ा झूठा है, अपने का तो सारे पहलवान ने ना। सबसे पहली बात जिसके लिए मुझे थोड़ी सी खुशी हुई है उस वीडियो को देखकर कि आप सीखना चाहते हैं ज्ञानी साहब, लेकिन मसला एक जगह पर यह है कि आपने सीखने का तरीका था वो आपका गलत था, आपने गलत तरीके से सीखने की कोशिश की है। सो अच्छे स्टूडेंट की तरह सीखने की कोशिश करें, मोहब्बत से सवाल करें। मसीही दुनिया में जहां जहां भी मौजूद हैं वो आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आपका जो तरीका है सीखने का वो तरीका गलत है, उसको अपना दुरुस्त करें। उस तरीके को आप सीखना चाहते हैं सो मोहब्बत की रूह से आप जरूर पूछें सवाल, एक नहीं दस पूछें सवाल। हमें जवाब देने से कोई इतराज नहीं है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, और दुनिया में जहां जहां भी लोग मसीहियत के हवाले से और इसी तरह से हमारे ईमान के हवाले से कलाम मुकद्दस के हवाले से जब सवाल करते हैं उनको जवाब मिल जाता है, और ऐसा कोई आज तक बंदा नहीं आपने देखा होगा जिसको जवाब नहीं मिला। सो आप सवाल पूछिए, तरीके से पूछिए, मोहब्बत से पूछिए, आपको जवाब भी मोहब्बत से मिले। सो आप ने सवाल जो है वो बहुत सारे उठाए हैं, उसमें आप डिबेट के हवाले से आपने कहा कि दस्तों पंजा होना चाहते हैं, कुछ लोग आप ढूंढ रहे थे। सो ढूंढ क्यों रहे थे आप? आपकी तो उम्र बहुत ज्यादा है, मैं तो आपकी आधी उम्र का भी नहीं हूं, तो आपको तो इतना इलम, आप ज्ञानी आपका नाम है, तो ज्ञानी साहब आपको ये तरीका नहीं पता कि डिबेट का या सीखने का या डिबेट का तरीकाकार क्या है? आप बंदे को जो है वो आप अपना कर रहे हैं प्रोग्राम और उसमें ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई बंदा मिल जाए। सो आपको कौन पढ़ा लिखा बंदा कहेगा कि आप पढ़े लिखे हैं? तरीकाकार डिबेट का मैं आपको बताता हूं, सीखने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने डिबेट करनी है तो आप अपने मुल्क में जो है वो बहुत बहुत बड़े खादमीन खुदा ने आपके मुल्क में दिए हैं मसीहियत के हवाले से, मसीही खुदाम आपके मुल्क में मौजूद हैं, आप उनसे जो है वो पेशगी जो है वो राबता करें और वो आपके साथ तैयार हो जाएंगे डिबेट के लिए। एक तो ये तरीकाकार है, दूसरा अगर आप सीखना चाहते हैं, आप कोई सोशल मीडिया पर आप कोई सवाल करते हैं तो आप उसको सवालिया तरीका से करें, ना कि आप जो है वो कि अपना एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें बंदे ढूंढ रहे हैं आप। सो एक तो आपका ये तरीका सीखने का गलत है और सवाल पूछने का तरीका भी गलत है। आपको सीखना है, और पहली बात तो आप अच्छी बात यह है कि आप सीखना चाहते हैं। दूसरी बात जो बुरी बात है कि आप सीखने का तरीका आपका गलत है। सो उसको आप जरा थोड़ा सा उस पर गौर करें, सीखें, जरूर सीखें, आपको जरूरत है सीखने की, तो आप तरीके से सीखें, मोहब्बत से सवाल करें। दुनिया में बहुत सारे लोग आपने देखा है, आपकी एक बात आपने की है और ईमानदार उठ खड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने आपके जवाब सवालों का मोहब्बत से जवाब दिया है, आपको तो उन्होंने जो है वो कुछ बुरा भला कहा ही नहीं है, और आपको बुरा भला कहने की हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको अभी सीखने की जरूरत है। तो जो बंदे जिसको कुछ पता ही नहीं उसको उसको क्या उसका क्या गुस्सा करना। तो एक चीज ये, दूसरी
आपने यीशु मसीह के ताल्लुक से, उनकी पैदाइश के ताल्लुक से, मरियम मुकद्दसा के हवाले से आपने जो है वो सवाल उठाए हैं, आप जानना चाहते हैं, सो ये अच्छी बात है। एक चीज जो और है वो आप में एक कमी मुझे नजर आई, वो कमी ये थी कि बहस बंदा उस बात पर करता है जिसके बारे में पता हो। एक तो आपको मैं नहीं जानता हूं आपने बाइबल मुकद्दस को पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आपने किसी से बातें सुनी हैं और उस पर आपने ये बयान जारी कर दिया है अपने मैसेज में, अपने वाज में जो आप वहां पर कर रहे हैं। बहस उस पर करें जिसका आपको पता हो, जिस पर आज जिसके बारे में आप जानते हैं। आप मसीहियत के बारे में आपकी गुफ्तगू से मालूम होता है कि आपको ना अलिफ पता है ना बड़िए पता है, आप कुछ भी नहीं जानते मसीहियत के हवाले से, तो बहस किस बात की? बहस आप तब करें जब आपको बाइबल आपने पढ़ी हो, आपने बाइबल को स्टडी किया हो, बाइबल में पर आपने आपको कोई अबूर हासिल हो, आपको अपने अकीदे का तो पता होगा लेकिन आपको बाइबल का भी पता होना जरूरी है किसी के साथ डिबेट करने के लिए। सो दस्तों पंजा तभी आप होंगे ना जब आपको मसीहियत का पता होगा। तो आपको बाइबल का तो मालूम नहीं है, खुदा के कलाम से तो आपकी वाकफियत नहीं है और आप दस्तों पंजा होने चाहते हैं, ये तो दीवार में टक्कर मारने वाली बात लग रही है मुझे तो। सो आप इस बात पर सबसे पहले अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें, किसी अच्छे खुदा के खादिम के पास जाएं, उनसे उसके उसके साथ आप रابطہ करें, आप सीखें, आपको उसके बाद कुछ एतराजात आपको लगते हैं तो आप जरूर उस पर बात करें। सो यीशु मसीह के ताल्लुक से आपने कहा कि वो कहता है कि मैं मुझे खुदा का बेटा कहो। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੰਨੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਾ ਬੇਟਾ ਕਹੋ, ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਬੇਟਾ ਕਹਾ। ਖੁਦਾ ਕੇ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਕਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਬ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਕਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਤੋ ਲੇ ਆਪ, बाइबल मुकद्दस में यह खुशखबरी मिलती है। सबसे पहले फरिश्तों ने कहा जो खुदा से आया और उसने कहा कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। एक बात, उसके बाद खुदा खुद आसमान से कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। समझ रहे हैं ना, जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को ज्ञानी साहब, थोड़ा तसल्ली से सुनना है आपने, मेरे साथ आपने पेशेंस रखनी है, सब्र रखना है, ध्यान से बात को सुनना है और सीखें आप, आपको सीखने की जरूरत है। आप सीखना चाहते हैं, मुझे खुशी है इस बात की आप सीखना चाहते हैं, सीख लें। सबसे पहले फरिश्ता उसने कहा कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, उसके बाद खुदावंद खुदा ने जो आसमान से आवाज आई जब खुद अपने बपतिस्मे का जिक्र किया। अब अच्छी बात है कि अब यूहन्ना जो है अब यीशु मसीह के बपतिस्मे से भी वाकिफ हैं। ईसा ने 30 साल की उम्र दे विच एक यूहन्ना नाम दे महापुरुख दे कोल बपतिस्मा लिया, उन्हां दा लफ्ज़ बपतिस्मा आप अमृत कहिंदे हो, बपतिस्मा कहिंदे ने। ये भी अच्छी बात है, लेकिन आप बुरी बात यह है कि आपने जिस वाक्य को कोट किया है उसमें आपने उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ा ही नहीं होगा, शायद आपने किसी से सुना और सुनकर बात आगे कर दी। सो ऐसे फॉरवर्ड बातें ना करें, आप कलाम को मुकम्मल तौर पर सीखें और उसी जगह जहां आपने जिक्र किया है वहीं खुदा का कलाम बताता है कि आसमान से आवाज आई। किसकी आवाज आई? आपके और मेरे खुदा की। उसने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है। तो आप और मैं कौन होते हैं जनाब उसको हम बेटा ना कहें? इस बात पर तो बहस बनती नहीं है। एक बात, अबलीस जो है वो उसको जानता है कि वो खुदा का बेटा है, दुनिया जानती है कि वो खुदा का बेटा है, और यीशु मसीह का तो आना अचानक से थोड़ी हो गया था। यीशु मसीह तो पेशन गोइयों की गई 2000 साल पहले, बाइबल मुकद्दस भरी है पुराने अहदनामा से में यीशु मसीह के ताल्लुक से सैकड़ों पेशन गोइयां वहां पर मिलती हैं कि वो मसीहा आएगा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा,
आप पुराने हदनामा को पढ़ लें, आप वहां आपको पेशनगोईयां मिलेंगी यीशु मसीह के आने के ताल्लुक से। सो आप थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करें। एक तो आप किसी के मजहब को छेड़े मत, आप किसी के मजहब पर आप निशाना ना बनाए। आप किसी को सीखना चाहते हैं, हो सकता है मेरे कई सवालात हों आपके अकीदे के ताल्लुक से, हो सकता है किसी और के बहुत सारे सवालात हों किसी और अकीदे के हवाले से, तो किसी को ऐसे निशाना नहीं बनाते हैं। आपको कुछ नहीं पता तो आप मोहब्बत की रूह से सवाल करें, आपको क्यों जवाब कोई नहीं देगा, आपको बहुत सारे जवाब मिलेंगे जैसे अभी मिल रहे हैं आपको। सो आप सुनिए, गौर करें, इस पर ध्यान दें, आपके लिए तो यूनिवर्सिटी खुल गई है जवाबों की, आपको तो कमी नहीं है अभी इलम की, मैं तो समझता हूं अब आप वाकई ज्ञानी बन गए होंगे। एक बात, दूसरी बात आपने कही कि जो है वो कुमारी के ताल्लुक से आपने बात की। ओ कहिंदे कुमारी मरियम नु जमया, ए साई प्रचार आप कर दे जो कुमारी मरियम नु। सो जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये कैसे हो सकता है कि वो जो है वो कुमारी से कोई पैदा हो, औरत से पैदा हो, मर्द और औरत और मर्द के मिलाप से ही लोग पैदा होते हैं। आपका जो जो आप हैरानगी का इजहार करते हैं ये आप एक तरीका से दुरुस्त है, आपका आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं वो कुमारी ही से पैदा हुआ है। और ये सिर्फ मसीही मसीही ही नहीं कहते, ये और बहुत सारे मजहब इस पर ईमान रखते हैं। तो आप ये इस पॉइंट को छेड़कर आप बहुत सारे अकीदों और बहुत सारे मजहब के खिलाफ आप बात कर देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप हैरान हैं कि वो कैसे पैदा हुआ, ते दसो कदे कुवारी नू काका का की होया है, जिदा मूल ही झूठ है, जद के बाणी कहती है मात पिता बिन बाल न होई, बिन बिना कैसे कपड़े धोई, मां ते पिता तो बिना दा जन्म नहीं हो सकता। होगा तो जब फरिश्ता मरियम मुकद्दसा के पास आया तो उस फरिश्ते ने जब मरियम मुकद्दसा को इस बात की खुशखबरी दी कि तेरे बेटा होगा, तो वो भी हैरान थी, ऐसे ही जैसे आज है आप हैरान हैं, वो भी हैरान थी कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। मरियम मुकद्दसा का भी यही सवाल था कि ये क्यों कर हो सकता है, ऐसे कैसे मुमकिन है, ये कितना होएगा। सो फरिश्ता ने जवाब में मरियम मुकद्दसा के से कहा, पंजाबी हो तुसी, ध्यान दवो इधर। फरिश्ते ने मरियम मुकद्दसा नू क्या, ए खुदा दी कुदरत नाल होएगा, ए खुदा दी कुदरत नाल होएगा। ज्ञानी साहब, खुदा बहुत बड़ा खुदा है, तुहानू खुदा दी शायद पावर दा पता ही नहीं चलिया अज तक, तुसी शायद खुदा नू अज तक समझ नहीं चल सके। खुदा कुदरत वाला खुदा है, और जिन्हू उन्हें दुनिया ते भेजिया ना कुमारी दे जरिए, उन्हें ओ उन्हू बा इख्तियार भेजिया, वह खुद खुदा है जिहड़ा जमीन ते आया। यूहन्ना 3:16 तुहानू दसीए की कहती है, यूहन्ना 3:16 कहती है कि खुदा ने दुनिया नाल ऐसी मुहब्बत की कि उन्हें अपना इकलौता बेटा बख्श दिता, ताकि जड़ा भी उहदे ते ईमान लियावे हलाक ना होवे बल्कि हमेशा की जिंदगी पावे। इस तरह खुदा ने अपनी मुहब्बत अपने बेटे के जरिए जाहिर की है, उन्हें उस अपने बेटे नू जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है वह जमीन ते आया। इंसान इसलिए वह बनया ज्ञानी साहब के तुहाडे और मेरे गुनाहों के लिए कफारा दे सके। आदम कोलों साढ़े बाप दादा कोलों जिहड़े साढ़े दादा जी सन, तुहाडे दादा जी सन, मेरे दादा जी सन, उही आदम, हाँ जी, जिन्हों खुदा ने मिट्टी तो बनाया सी, औरत और मां चो पैदा नहीं सी कीता, खुदा दी कुदरत नू समझो। उस आदम दे कोलों गुनाह सरजद होया सी, दादी हवा कोलों गुनाह सरजद होया सी, ते उस गुनाह दी वजह तो इंसानियत गुनाह च पै गई है, और इंसानियत नू मसीहा दी जरूरत सी। मसीहा इंसान इस लई बनया, ओ जानवरां लई नहीं आया, अगर वह जानवरां लई आंदा तो शायद कोई होर जानवर की शक्ल च आंदा, लेकिन ज्ञानी साहब वह तुहाडे और मेरे लिए आया। इंसान इसलिए वह बनया दुनिया से आया ताकि वह सजा जिहड़ी तुहाडे और मेरे दादा नू मिलनी सी, आदम नू ते हवा नू, दादी हवा नू मिलनी सी, ओ लै लवे अपनी जगह ते। और खुदा ने तुहानू दसा अज जिहड़ा तुसी ये गल्लां कर रहे हो, दुनिया दे विच बड़े ज्ञान नू वंड रहे हो, ये तुसी पैदा पता कितना होए हो, तुहानू पता है ये उसे यसू मसीह दे वसीले नाल, उसे मसीहा दे वसीले नाल,
ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਆਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋਵੋ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਓ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕਰ ਮੌਤ ਸਹੀ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹੀ ਇੱਕ ਨਜਾਤ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਾਹ ਹੱਕ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਵਾਂ ਰਾਹ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਵਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵਾਂ ਉਹੀ ਸੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਸਜ਼ੂਰ ਝੁੱਕ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਲਾਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਜਾਤ ਹਿੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੋ ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਾਵਤ ਦਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਆਮੀਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਮੂਵੀ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਮਸੀਹਾ ਮੂਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੂਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਗਾਡ ਬਲੈਸ ਯੂ